ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बोल्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा कि किसको हम क्या कहते हैं। तो छोटे बच्चे आप ध्यान से सुनना और इसे रिकॉग्नाइज करके रखना कि किस शेप को, किस कलर को, किस तरह का कलर होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, तो हम उसे क्या कहते हैं। तो बाद में ये आपके काम आएगा जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा बाद में इससे रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके जो डिक्टेशन है, स्पेलिंग्स हैं, वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। तो सबसे पहले इसे कहते हैं हम बॉक्सिंग ग्लव्स। तो बॉक्सिंग ग्लव्स इस तरह का होता है। तो बॉक्सिंग ग्लव्स इसको हम हाथ में पहनते हैं, इसको इस तरह से पहनते हैं और पहनने के बाद फिर खेलते हैं हाथ में रख के, फिर उसके साथ दूसरे प्लेयर के साथ हम रिंग के अंदर खेलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स, ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स होता है। इसमें जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू कॉर्नर, एक प्लेयर ब्लू पहनता है और एक प्लेयर जो है रेड पहनता है। तो बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं, दो प्लेयर के बीच में खेलते हैं रिंग के अंदर, ठीक है। उनका वेट सेम होना चाहिए, ठीक है, वेट कैटेगरी सेम होना चाहिए। तो ये ब्लू कॉर्नर एंड रेड कॉर्नर, उनका यूनिफॉर्म भी रेड और ब्लू में। ओके, ये है क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट का शेप इस तरह से होता है, पीछे से देखिए, आप खेले होंगे ये क्रिकेट बैट, ठीक है, क्रिकेट बैट इसे बोलते हैं। और जो बॉल होता है क्रिकेट का, जो बॉल होता है, जो असल में हम क्रिकेट खेला जाता है, उसका बॉल इस तरह से होता है, लेदर बॉल होता है। बीच में क्या होता है, यहाँ पे सील होता है, सिलाई किया हुआ है, बीच में सिलाई होता है, और ये लेदर का होता है, लेदर बॉल, देखिए आप, लेदर बॉल। ये है क्रिकेट बैट एंड ये है क्रिकेट बॉल, लेदर बॉल भी बोलते हैं इसे हम, लेदर बॉल। ये क्रिकेट में खेला जाता है, जो टेस्ट मैच में होता है वो वाइट कलर का होता है, ये रेड कलर का है। ओके, उसके बाद जो है ये है आपका बास्केटबॉल। देखिए किस तरह से होता है, बीच में लाइन होता है, बास्केटबॉल लाइन होता है इस तरह से लाइन होगा। ये है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट में खेला जाता है। तो इसका रंग जो होता है लाल होता है, इसे हम कहते हैं बास्केटबॉल। ये है आपका हॉकी, इसे हम हॉकी कहते हैं। हॉकी इस तरह का शेप होता है, हॉकी का इस तरह का शेप होता है हॉकी, और लंबे में फ्लैट होता है ये इस तरह का, इसको बोलते हैं हॉकी स्टिक। ये होता है हॉकी स्टिक का बॉल, देखिए आप, हॉकी स्टिक का बॉल इस तरह से होता है। इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं, वाइट कलर का होता है और ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का होता है, देखिए इस तरह से। ये हॉकी का बॉल, रिकॉग्नाइज कीजिए प्लीज, और ये हॉकी स्टिक, इसे हम कहते हैं हॉकी स्टिक। और इसे हम कहते हैं रग्बी बोलते हैं, वैसे अमेरिकन फुटबॉल भी कहा जाता है इसे, अमेरिकन फुटबॉल, इसे ज़्यादातर रग्बी कहा जाता है। ये लंबे में होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये लंबे में होता है, इसको बोलते हैं रग्बी या अमेरिकन फुटबॉल। और ये छोटा छोटा सा बॉल होता है, इसे हम कहते हैं हैंडबॉल। ये जो है वो फुटबॉल से और वॉलीबॉल से बड़ा होता है, देखिए फुटबॉल, ये है फुटबॉल ब्लैक एंड वाइट, एंड ये है हैंडबॉल। हैंडबॉल जो होता है वो छोटा होता है, फुटबॉल देखिए बड़ा है, फुटबॉल बड़ा होता है, वॉलीबॉल बड़ा होता है, बास्केटबॉल बड़ा होता है, हैंडबॉल छोटा होता है, छोटे साइज में होता है, इसे हम कहते हैं हैंडबॉल। और इसी तरह आपका जो फुटबॉल होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट में भी होता है फुटबॉल, इसे कहते हैं फुटबॉल, और एक इस कलर का भी होता है फुटबॉल, इसे भी हम फुटबॉल कहते हैं। तो इस कलर में भी फुटबॉल होता है और इस कलर में भी फुटबॉल होता है, जो कि हम पाँव से खेला जाता है, हाथ से नहीं खेलते, पाँव से खेलते हैं ज़्यादातर।
और उसके बाद आता है, ये है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का शेप देखेंगे, वॉलीबॉल को देखेंगे, वॉलीबॉल का शेप इस तरह का होता है। लाइन लाइन बहुत होते हैं, इस तरह का लाइन होता है। इसमें आपको दिखाई देगा इस तरह का लाइन होगा। इसको हम हाथ से खेलते हैं वॉलीबॉल को इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं वॉलीबॉल। और ये जो है विकेट कीपिंग ग्लव्स है, विकेट कीपिंग ग्लव्स इसको बोलते हैं हम। विकेट के पीछे जो खड़ा होता है बॉल को पकड़ने के लिए, तो ये है विकेट कीपिंग ग्लव्स। हाथ को इस तरह से रखते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है हाथ, देखिए आप देख सकते हैं हाथ में थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं विकेट कीपिंग ग्लव्स। और इस तरह का ये वाला होता है आपका गोलकीपर, जो गोलकीपर फुटबॉल में जो पहनते हैं उसका ग्लव्स होता है। देखिए ये है गोलकीपर, जो कि फुटबॉल में गोलकीपर बैठता है, फुटबॉल को रोकता है, गोल होने से बचाता है। और ये जो है ग्लव्स, ये विकेट के पीछे बैठने वाला, जिसका देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। देखिए ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि लेदर का बॉल होता है, तो हाथ में चोट ना लगे। और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि बॉल को पकड़ने में थोड़ा ग्रिप रहे। तो ये विकेट कीपिंग ग्लव्स देखिए आप कैसे होता है, देखिए ओके। और ये है आपका फुटबॉल का, और ये है आपका फुटबॉल का, देखिए फुटबॉल का ग्लव्स, फुटबॉल ग्लव्स, गोलकीपिंग ग्लव्स फुटबॉल का। ओके उसके बाद आता है आपका ये कैरम बोर्ड, इसको कहते हैं कैरम बोर्ड। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ब्लैक ब्लैक कैरम्स होते हैं और एक वाइट कैरम्स होते हैं, वाइट कैरम्स कहते हैं, और बीच में एक रेड क्वीन होता है। तो स्ट्राइकर जिससे हम मारते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्राइकर। तो इसमें बीच में क्या होते हैं, होल्स, चारों तरफ होल्स होते हैं। तो आपने उस ब्लैक को, किस एक प्लेयर का आपका वाइट होगा और एक प्लेयर का ब्लैक होगा, तो वो अपने कैरम्स को इस होल में डालेगा। लास्ट में वो अपने कॉइन को अपने वाइट कैरम या ब्लैक कॉइन के साथ उसे जीतेगा और पॉइंट अपना जोड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम कैरम बोर्ड, इसे कहते हैं कैरम बोर्ड। उसके बाद आता है ये कैरम्स हैं जो कैरम बोर्ड में होते हैं और हम इनसे खेलते हैं, इसे कहते हैं हम चेस बोर्ड। ये दोनों तरफ से होता है इस तरह से, इसको हम जब खोलेंगे तो हम इसको हम इस तरह से खेल सकते हैं। यहाँ पे चेस बोर्ड इस तरह से होता है, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, एट कॉलम्स, यहाँ पे भी एट स्क्वेयर्स, यहाँ पे भी एट स्क्वेयर्स। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से इसे खेलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम चेस, इन्हें हम चेस मैंस कहते हैं जिनसे हम चेस खेलते हैं। और ये है आपके विकेट्स, जो कि आप क्रिकेट में यूज करते हो। जब आप क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, तो आप इस विकेट्स को ग्राउंड में रखते हैं, लगाते हैं, और बैट्समैन इसके आगे खड़ा होकर खेलता है। और जब बॉल इस विकेट्स को लगता है, इसके ऊपर बेल्स होते हैं, बेल्स रखे होते हैं, बेल्स जब नीचे गिर जाए तो वो बैट्समैन आउट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विकेट्स। तीन विकेट्स ओपनिंग क्रीज में होता है, पॉपिंग क्रीज की तरफ, और दूसरा बॉलिंग क्रीज की तरफ होता है, ठीक है। ये बेल्स का पिक्चर है, इसे विकेट के ऊपर लगाया जाता है। बॉल से जब ये बेल्स नीचे घिर जाए तो बैट्समैन आउट माना जाता है। और इसे कहते हैं आप क्लैपर। ये क्लैपर जो है, जब आप एथलीट के लिए रन करते हो, ट्रैक में जब आप दौड़ते हो, जैसे आप स्पोर्ट्स में आपने देखा, जब आप दौड़ते हो तो क्या करता है अंपायर, क्या करता है यहाँ पे क्लैप मारता है, जोर से क्लैप करता है, और एथलीट जो है वो दौड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैपर, क्योंकि ये आवाज करता है तो क्लैप होता है, क्लैपर बोलते हैं। ये है आपका टेनिस बॉल, टेनिस बॉल है ये, है क्रिकेट बॉल नहीं है, ये है टेनिस बॉल, इससे हम टेनिस खेलते हैं। क्रिकेट बॉल मैंने आपको बताया था कैसा होता है, ये है आपका टेनिस बॉल।
ओके तो आपको टेनिस बॉल बता दिया, ये होता है हम बैटन, इसको बोलते हैं हम बैटन, ये एक प्लेयर के हाथ में होता है। एथलीट, एथलीट जो ट्रैक के अंदर दौड़ता है उसे हम बोलते हैं एथलीट, जो रन करता है ट्रैक के अंदर, एक लेन, लेन के अंदर जब वो दौड़ता है, जो खिलाड़ी दौड़ता है उसे हम कहते हैं एथलीट। उस एथलीट के हाथ में ये होता है ये बैटन। तो बैटन जो होता है वो एक्सचेंज करना होता है। जब रिले रेस हो तो उसमें क्या होता है, चारों चारों प्लेयर जो फ्रंट आगे वाले चार प्लेयर होते हैं उनके हाथ में ये दिया जाता है। तो ये बैटन जो होता है चेंज करना होता है बच्चों, तो चेंज करना होता है, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएगा, फिर वो राइट से पकड़ेगा और वो आगे भागेगा। तो इसे हम कहते हैं, कैसे बोलते हैं, बैटन, रिले रेस में यूज होता है ये। और इसे कहते हैं हम शॉर्ट पुट, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पुट। ध्यान से देखिए, लोहे का बना होता है, पूरा लोहे का बना होता है, इसे हम शॉर्ट पुट बोलते हैं। इस शॉर्ट पुट को यहाँ शोल्डर पे रखकर, शोल्डर पे रख के आगे आके इसको फोर्स के साथ दूर फेंकना होता है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट पुट, शॉर्ट पट, शॉर्ट पट, शॉर्ट पट बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप, फिर उसके बाद इसे हम बोलते हैं डिस्कस, डिस्कस थ्रो। ये दोनों जो है थ्रोज हैं, थ्रो थ्रो करने वाला गेम है ये। तो ये है आपका डिस्कस, डिस्कस देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पे पूरा स्टील होगा, बीच में वुड है, यहाँ पे लकड़ी है, आजकल जो है वो सिंथेटिक रबड़ वाला भी निकल रहा है, और बट ये जो है पुराना जो मॉडल में है उस तरह का, इसको बोलते हैं डिस्कस। ये भी थ्रो, थ्रो वाला गेम है, इसको ऐसे करके फेंकते हैं। फिलहाल ये दोनों जो है तभी खेलना चाहिए जब पूरा ग्राउंड खाली हो, इसे कभी भी भीड़ ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है अच्छे नहीं है, ठीक नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ इसमें ख्याल रखना चाहिए। फिर टेनिस बॉल हो गया, ये है आपका विसल, विसल इस, ये विसल जो है रेफरी, रेफरी जो है यहाँ से कोई भी फाउल होगा, सब प्लेयर चेंज करना होगा, टाइम टाइम आउट होगा या गेम ओवर हो जाएगा तो वो विसल करता है, इसे हम बोलते हैं विसल। ये रेफरी अंपायर के पास होता है, ठीक है, क्रिकेट के अंपायर के पास नहीं, बट वॉलीबॉल का अंपायर, रेफरी फुटबॉल का रेफरी, उनके पास ये विसल होता है फाउल्स वगैरह ओपन करने। ये है आपका वेइंग मशीन, इसमें आप क्या करते हैं, अपना वेइंग करते हैं फिजिकल, उसमें जब आपका फिटनेस वो होता है, रिकॉर्ड बनता है, तो आप क्या करते हैं, इसमें आप जो वेट, वेट आप जो आप चेक करते हो अपना, तो इसे हम कहते हैं वेइंग मशीन। क्या बोलते हैं हम बच्चों, वेइंग मशीन। इसमें आप जो है बिना जूतों के, कपड़े जैकेट हैवी चीज़ नहीं पहनो, तो इस पर आप दोनों पाँव यहाँ, एक पाँव यहाँ रखते हैं, एक पाँव यहाँ, तो आपका यहाँ पे वेट, एक्चुअल वेट दिखाता है, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसे हम कैसे कैसे होता है देखिए, अब ये है वेइंग मशीन, ये है आपका क्रिकेट का हेलमेट, क्रिकेट हेलमेट बोलते हैं इसे हम, हेलमेट, हेलमेट इस तरह का होगा, क्रिकेट का हेलमेट होगा, ये आपको बॉल से बचाएगा, इंजर्ड होने से बचाएगा, अगर बाउंस हो गया कुछ हो गया तो इसे क्रिकेट में पहना जाता है, बैट्समैन इसे पहनते हैं, विकेट कीपर पहनते हैं, और जो फ्रंट फील्डिंग प्लेयर्स हैं वो भी इसे पहनते हैं। और इसे कहते हैं हम, जो मैंने बताया था बॉक्सिंग ग्लव्स, तो ये है पंचिंग पैड, इसमें जो है प्रैक्टिस करवाते हैं बॉक्सिंग का, तो यहाँ से पंच होता है तो उसमें ऐसे रख के पंच करवाते हैं, इसे कहते हैं हम पंचिंग पैड। देखिए ध्यान से, इस तरह से हाथ रखा होता है पीछे से, पंचिंग पैड। और ये है आपका, आपको पता होगा मे बी, ये है बैडमिंटन रैकेट, जो हम खेलते हैं गेम उस गेम का नाम है बैडमिंटन, बट ये है रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, इसे हम बैडमिंटन नहीं बोलेंगे, रैकेट बोलेंगे, बैडमिंटन रैकेट, जो हम गेम खेलते हैं शटल के साथ उसे हम कहते हैं बैडमिंटन, गेम का नाम है बैडमिंटन, बट इसे हम क्या कहेंगे, रैकेट, बैडमिंटन रैकेट। देखिए आप, इसमें नेट्स होते हैं, इस तरह से नेट्स होंगे,
इसमें शटल कॉक मैं आपको और उसमें पिक्चर के थ्रू बता दूंगा कि शटल कॉक किस तरह का होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है बेस बॉल का बैट। तो बेस बॉल का बैट होता है, इसके पीछे कोई विकेट नहीं होता है। एक प्लेयर को 3 चांसेस होते हैं कि उसको एम्प्टी ना जाए। अगर वो 3 चांस एम्प्टी चला जाएगा तो वो प्लेयर आउट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लेयर आएगा। और इसका ग्राउंड जो होता है वो डायगनल शेप में होता है, ऐसे डायगनल शेप में होगा। तो जैसे ही शॉट मारेंगे तो वो रन करके फिर अपने उसमें एक एक सर्कल जब पूरा कर लेगा तो उसको 1 रन मारेंगे। तो ये होता है बेस बॉल बैट। देखिए आप ध्यान से, बेस बॉल बैट। ओके, थैंक यू।